भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत देवभूमि द्वारका जिला में स्थित थे। द्वारका शहर में स्थित थे भारत के माना हुआ द्वारकाधीश मंदिर। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक बेहद ही खास स्थान है द्वारका। श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई इस नगरी का आज अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये समुद्र में डूब गई थी। लेकिन इसके आसपास ही गुजरात में द्वारका मंदिर की स्थापना की गई है, जहां लोग भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवारजनों के दर्शन के लिए आते हैं। द्वारका एक भव्य और मनमोहक मंदिर है, जो श्री कृष्ण की द्वारिका का दर्शन करवाता है। द्वारका आने के लिए 3 मार्ग अभी हम बताएंगे। अगर आप हवाई जहाज में जाना चाहते हैं तो आपके निकटतम हवाई अड्डा जामनगर जाना होगा। आप अपने शहर से जामनगर के लिए फ्लाइट लेकर आ सकते हैं। यहाँ से टैक्सी करके आप द्वारका पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपका नज़दीकी रेल स्टेशन जामनगर पड़ेगा। हालांकि द्वारका में भी रेल स्टेशन है। अगर आपके शहर से सीधे द्वारका के लिए ट्रेन मिलती है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं तो आप जामनगर आकर द्वारका के लिए ट्रेन बदल सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग में द्वारका आना चाहते हैं तो बस या किसी निजी वाहन के जरिए द्वारका जाना चाहते हैं तो आप अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर होते हुए किसी भी शहर से द्वारका आ सकते हैं। आपको देखना होगा कि आपके शहर से कौन सा रास्ता पास पड़ता है। द्वारका के प्रमुख स्थानों में घुमाने के लिए द्वारका दर्शन नाम का एक बस सेवा द्वारका में चालू है। द्वारका दर्शन द्वारका नगरपालिका द्वारा संचालित है। द्वारका दर्शन बस सेवा गाइड की सुविधा के साथ उपलब्ध है, जिसमें आप रुक्मिणी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तलाव और बेट द्वारका का दर्शन कर सकते हैं लग्जरी बस में। बस में सवारी का एक जन का टिकट का मूल्य है 100 रुपये। गोपी तलाव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 5 किलोमीटर के दूरी पर एक छोटा सा तालाव है, जिसका नाम है गोपी तालाव। गोपी तालाव वो दिव्य स्थान है जहां सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ अपनी अंतिम बार रासलीला की थी। शरद पूर्णिमा के रात को अंतिम रासलीला के बाद गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ इसी तालाव में मोक्ष प्राप्त किया था। गोपियां पीली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गई। इस तालाव का मिट्टी चंदन जैसी पीली है, इसलिए इसे हम गोपी चंदन कहते हैं। इसमें कई प्रकार के दिव्य गुण होते हैं, जिनसे कई बीमारियों का इलाज होता है। ये चंदन भक्तों के माथे पर तिलक लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। गोपी तलाव के बारे में ये कहानी भी मशहूर है। नटवर नागर कृष्ण के प्रेम में गोपियां दीवानी थी, लेकिन जब कृष्ण नहीं लौटे तो हजारों गोपियां ने कृष्ण प्रेम में तलाव में जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिया। कहा जाता है कि कृष्ण ने गोपियों को इस तलाव की पवित्र मिट्टी से स्नान करवा कर उन्हें पवित्र किया था। गोपी तलाव की दूरी द्वारका से 20 किलोमीटर का है। गोपी तलाव प्रवेश द्वार में स्थित है श्री गोपीनाथ मंदिर, जो 5000 साल से अधिक पुरातन माने जाते हैं।